तो नमस्कार, राष्ट्रीय काव्य संगम मंच पर मेरी रत्नाकर शीर्षक है प्रकृति। प्रकृति से मानव जीवन चलता है, प्रकृति से मानव जीवन चलता है, हवा खाना अन्न सब प्रकृति से ही मिलता है। प्रकृति वृक्षों का जतन करती है, वृक्ष हमें साया और फल देते हैं। प्रकृति जब रास्ता बदलती है, मानवीय जीवन दुष्कर बन जाता है। हिमालय में शिखर पर रुद्र का अट्टहास्य होता है। वातावरण जब दूषित हो जाता है, कोरोना जैसा वायरस फैल जाता है। प्रकृति ही ईश्वर माना जाता है, प्रकृति ही ईश्वर माना जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति पर प्रकृति है। प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध हो जाते हैं, तब कवि प्रकृति की कविता लिखते हैं। सदियों से मानव संबंध प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति की रक्षा हमारा धर्म और दायित्व है। प्रकृति के गर्भ से मानव जन्मा है। सब कुछ प्रकृति ने ही मनुष्य को दिया है। नींबू के वृक्ष पर झूला बनाया है, गोपियों ने कृष्ण को बुलाया है। निम्बुड़ा हो निम्बुड़ा गुजराती गीत गाया है, श्री कृष्ण का प्यार हम सभी ने पाया है। डॉक्टर गुलाबचंद पटेल, अध्यक्ष महात्मा गांधी साहित्य मंच, गांधीनगर, गुजरात। भारत माता की जय। जय हिंद।